नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले नए तरीके से नए स्वाद के साथ रोल समोसा, वो भी आलू का। रिजल्ट तो देख रहे हो ना, थोड़ा भी ऑयल नहीं है ऊपर और ना ही ऑयली बना है, तो यहाँ पे बहुत ही खस्ता है खाने में। तो यहाँ पे झट से बनाई जाती है दोस्तों, तो हमें लगता है कि ये तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। आपने क्या करना है दोस्तों, आखिरी तक रेसिपी देखनी, और रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक चैनल पे नए हो गए तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। चलो फिर ज्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लेना है 1 कप जितना मैदा, और मैदा कभी भी छान कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही छान कर लिया है दोस्तों। अभी यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और हाथों से क्रश कर लेना है। फ्लेवर अच्छी आती है समोसे में। अभी यहाँ पे खस्तापन आने के लिए यहाँ पे हमने डालना है 1 चम्मच घी डालना है, बड़ा वाला, इस तरीके से देख रहे हो। थोड़ा घी थोड़ा ज्यादा ही डालना है, कम ज्यादा कोई बात नहीं, पर थोड़ा ज्यादा ही डालना है। ज्यादा घी डालने से क्या होता है, खस्तापन अच्छा आता है समोसे में। अब इन सारी सामग्री को पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो। अभी हल्के से मुट बना लेते हैं इसी तरीके से, इससे समझ में आता है कि हमारा जो समोसा खस्ता अच्छी तरह से बन जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका टाइट सा डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने टाइट सा डो बना लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से, परफेक्ट। अभी इसे 10 मिनट को सेट होने को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर हमने 2 आलू लेना है उबले हुए। यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट कर लिया हुआ, क्योंकि आलू की हमें गुठली थोड़ी भी नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक डालना है, बारीक कट किया हुआ। यदि आपको कट करना नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हो अदरक की। 1/2 चम्मच वरियाली डालेंगे यानी बड़ी शोप, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धना पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये कलर वाली दोस्तों, ये कम तीखी होती है। यदि आपको तीखापन ज़्यादा खाना पसंद हो तो आप इसमें तीखी वाली मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, जो सबके घर में होता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, छोटी वाली थी दोस्तों, देखने गए तो 1/2 कप जितनी हमने शिमला मिर्च ली बारीक कटी हुई। यहाँ पर जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और क्रश करके डालना है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है समोसे में। अभी यहाँ पर डालेंगे ढेर सारा धनिया। अभी यहाँ पर हम कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लावर डालेंगे। जैसे हम आलू रोल यानी समोसा रोल फ्राई करेंगे तो हमारे आलू की जी स्टफिंग तेल में नहीं निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर डाल देना है। ये वाला मैंने चम्मच चूज किया है, छोटा वाला। अभी हमें इस सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाँ दोस्तों, हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगती तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पर सारी सामग्री को हमने अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लिया, देख रहे हो आलू एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यदि आप आलू को उबाल लोगे तो यहाँ पे हमें गर्मा गर्म आलू को मैश नहीं करना है, आलू को ठंडा होने के बाद ही मैश करना है। ठंडा होने के बाद मैश करने से क्या होता है, आलू में जो एक्स्ट्रा पानी होता है पूरा ड्राई हो जाता है। अभी आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट ये ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आलू को मैंने उबाल लिया तो ठंडा होने के बाद इसे ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से ये स्टफिंग होना चाहिए। अभी करेंगे आगे की प्रोसेस। अभी यहाँ पर रात हमने क्लीन कर लिए। अभी इसके अंदर थोड़ा सा हमें ऑयल डालेंगे हाथों को, थोड़ा ही बस, और हाथों को पहले यहाँ पे चिकना कर लेना इस तरीके से, यानी जो स्टफिंग हम बनाएंगे तो हाथों में चिपके ना। देख रहे हो अभी यहाँ पे छोटे छोटे रोलर बना लेना है इस तरीके से, देख रहे हो। हाँ दोस्तों, यदि आपको छोटा बड़ा समोसा रोल चाहिए तो आपके हिसाब से यहाँ पे शेप दे सकते हो, पर यहाँ पे हम मीडियम साइज के बनाएंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा नहीं, क्योंकि इजीली बच्चे लोग खा पाएंगे। ज्यादा बड़ा कर देते तो मजा भी आता नहीं और फ्राई करने में भी दिक्कत हो जाती, छोटा कर ले तो टाइम भी बच जाता है और फ्राई भी अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसी तरह से हमें करना है सारे रोलर, देख रहे हो ऐसे फट रहा है, कोई बात नहीं, इसे हमें इसे दबा लेना है इसी तरीके से। आलू ड्राई होने से ऐसे होता है ये, और स्टफिंग बहुत ही परफेक्ट बन गई है, देख रहे हो। तो सारे रोलर हम ऐसे बना लेते हैं आलू के। अब यहाँ पे सारे रोलर हमने बना लिए आलू के, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे इसे चकले पे ले लेती हूँ और हल्का सा ऑयल डाल लेना है, थोड़ा ही 1/2 चम्मच जितना, और इस डो को हमें अच्छी तरह से मसल लेना है। अभी यहाँ पर अच्छी तरह से डो को हमने मसल लिया, आप देख सकते हो परफेक्ट हो गया है ये। अभी इसे 2 में डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। अभी इस 1 डो हम ले लेते हैं और इसे और अच्छी तरह से हाथों से मसल लेते हैं, यानी गोल जैसा पेड़ा बना लेते हैं।
अब यहाँ पर गोल सा मैंने पेड़ा बना लिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमने सूखा डो वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ इसको ऐसे ही बेलते जाना है, थोड़ा पतला बेलना है क्योंकि हमारी रोटी कैसी होती है वैसे इसे बेलते जाना है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता ना इसलिए यहाँ पे हम इसे गोल सा रोटी बेल लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बेल लिया, देख रहे हो इस तरीके से मैंने इसे उलट पुलट करके बेला हुआ है क्योंकि यहाँ पे सूखा डो लगता भी नहीं है दोस्तों। इस तरीके से रोटी के जैसे ही बेलना है पतली वाली। अभी इसे मैं इसे बेल लिया, अभी इसे मैं हल्के से कट कर लेना है और ये वाला लो हमें फेंकना नहीं आता, इसे हमें वापस बेलना है। अभी यहाँ पे एक रोलर ले लेना है और रोलर के मार्फे से हमें इसे कट करते जाना है, इस तरीके से देख रहे हो। इसी तरह से हमने रोलर रखते जाना है और इसे कट करते जाना है, मैं आपको लेके बता देती हूँ इस तरीके से देख रहे हो। हाँ दोस्तों, आपने इस रेसिपी को घर पे बनाना है और कमेंट करके जरूर बताना कैसी बनी है रोलर समोसा, एकदम परफेक्ट हो गया है इस तरीके से। अभी यहाँ पे इसे हमें हल्के से पानी लगा लेना है थोड़ा साइड से किनारे से, क्योंकि ये जब हम रोलर बनाएंगे तो ये चिपक जाने चाहिए। इसी तरह से हमें गोल गोल लपट लेना है इसे। और एक बता देते हम, अच्छी तरह से प्रेस करके ही गोल गोल शेप देते जाना है ये। जब हम इसे फ्राई कर गए तो ये रोलर हमारे खुले ना, बहुत जनों को क्या होता है समोसा आता ही नहीं है एकदम स्टफिंग करना यानी, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, जो बिगनर हो गए उनको भी झट से बन जाएगा। खाली स्टफिंग कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हो और पानी जगह लगाए यहाँ पे अच्छी तरह से इसे चिपका लेना है, फ्राई करते समय ये खुले ना। तो सारे रोलर समोसा हम इसे ही बना लेते हैं सेम टू सेम। अभी यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमें जो रोलर समोसा हम लोग फ्राई करते हैं तो यहाँ पे हमें धीमी गैस ही चाहिए, यानी ज़्यादा गर्म भी ऑयल चाहिए नहीं और ज़्यादा ठंडा भी ऑयल चाहिए, मीडियम ऑयल हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चेक कर लिया, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर एक एक समोसा रोलर लेना है और इसे हमें इसमें डालते जाना है इस तरीके से देख रहे हो। तो हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगती तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि ना सारे रोलर समोसा इसमें ऑयल में हम डाल देते हैं। और हाँ दोस्तों, इसे तुरंत टच करना नहीं, 2 मिनट के बाद हम इसे टच करके उलट पुलट करना है। अब यहाँ पे आप देख 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हमें क्या करना है उलट पुलट करते जाना है इस तरीके से, क्योंकि सारे रोलर हमारे अच्छी तरह से ऊपर से नीचे अंदर तक फ्राई होने चाहिए, कच्चा थोड़ा भी नहीं चाहिए, और चमचे के सहायता से इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। हाँ दोस्तों, गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी आँच ही रखना है, फास्ट नहीं रखना है, इस बात का आपने ध्यान देना है, तो क्यों ना इसे अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं और इसे बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है। तो यहाँ पे हमें टोटल 10 मिनट लगे दोस्तों, हमारे जो समोसे रोलर अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, एक जैसे ही गोल्डन कलर आ गया मैं आपको लेके बता देती हूँ देख रहे हो वाव, और थोड़ा भी ऑयल पिएगा नहीं इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने घी का मोयन डाला है ना इसलिए। तो सारे समोसे हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे बना दिया झटकी पट कम सामग्री से रोलर समोसा, वो भी आलू का। रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हो कितने बढ़िया हैं। स्टफिंग जैसे हमने फ्राई किया था थोड़ा भी निकला नहीं, एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। अभी हम आपको तोड़ के बता देते हैं, देख रहे हो वाव, इजीली टूट रहा एकदम इजीली, ओहो गर्मा गर्म यम्मी यम्मी। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगती तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।